Hello everyone, this is Emil Khalgo, you know myself. Welcome to my channel. So, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग या तो तैयारी कर रहे हैं एल एल बी के लिए और दे आर थिंकिंग फॉर प्रिपरेशन फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एल एल बी. सो दिस वीडियो फॉर देम. अक्सर हम जब एंट्रेंस की तैयारी करते हैं तो जस्ट वी आर थिंकिंग टू गो एनी बेस्ट कॉलेज एंड वी नो देर हैव इन आवर कंट्री वी सी देर हैव ओनली 2-3 बेस्ट कॉलेज विच आर वेरी फेमस फॉर पीपल. सो आज हम बात करेंगे हमारी बी एच यू और डी यू के बारे में. एंड ऑब्वियसली देर हैव नो एनी कंपेरिजन बिटवीन बी एच यू एंड डी यू. बोथ आर रिनाउंस एंड रिपोटेटेड कॉलेजेस बट ऑलवेज इन आवर माइंड वेन वी थिंक दैट वी विल गो फॉर एल एल बी. सो बिकॉज बोथ यूनिवर्सिटीज आर वेरी रिनाउंस एंड वट यू से नेमिंग कॉलेज. सो ऑब्वियसली थिंग्स आर कम बट नाउ वी आर ए स्टूडेंट ऑफ बी एच यू. सो वेन एवर पीपल आस्क टू दैट बी एच यू और डी यू में अंतर कौन सा बेस्ट है तो वी आर ए बी एच यू स्टूडेंट. सो ऑब्वियसली वी आर फेवर वी आर बायस टू से बी एच यू इज़ बेस्ट बिकॉज अब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग कैसे बोलते हैं कि बी एच यू इज़ नॉट गुड और डी यू इज़ नॉट गुड. हाउ कुड वी से. सो ये तो हम मैंने सोचा कि बना देते हैं वीडियो. ओके आई हैव अ 2-3 क्राइटेरिया टू डिफाइन विच इज़ द बेस्ट. ऑब्वियसली बोथ आर बेस्ट. दे आर लाइक बी एच यू हैव देयर ओन स्पेशलिटीज डी यू हैव देयर ओन स्पेशलिटीज. दे आर बोथ देयर इन देयर हैव ओन स्पेशलिटीज ऑन देयर ओन पोजिशन राइट. तो हम लोग कुछ कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे जिससे हम बता सकते हैं कि बी एच यू मतलब दिस इज़ योर ड्यूटी वेयर शुड यू गो कि तुम्हें बी एच यू जाना है ना डी यू जाना है. ओके पहली बात पहले डिस्कशन करेंगे हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. यू नो डी यू में और बी एच यू का जो एडमिशन होने का जो क्राइटेरिया है एल एल बी वालों के लिए यू नो ना इन डी यू देर आर नो एनी सच बी एल एल बी कोर्सेज ओनली 3 years एल एल बी एंड ऑल्सो बी एच यू दे गिविंग कोर्सेज बोथ डी एल एल बी एंड बी एल एल बी 3 years एंड 5 years. सो आई एम टॉकिंग अबाउट 3 years ऑफ एल एल बी. तो जब एल एल बी एलिजिबिलिटी की बात होती है तो ऑब्वियसली देयर हैव ओनली सेम क्राइटेरिया. वहाँ से भी वहाँ पर भी ग्रेजुएशन होने के बाद यू कैन गेट एडमिशन एंड बी एच यू और डी यू दे बोथ हैव एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लाइक सेम. यू हैव टू ग्रेजुएट एंड मिनिमम परसेंटेज फॉर एडमिशन इन ग्रेजुएशन दैट इज़ 50%. एंड इफ यू कम इन प्लेसमेंट कई लोग तुम्हें बोलेंगे कि बी एच यू और डी यू में देयर हैव अ वेरी कॉमन दैट बोथ यूनिवर्सिटी प्रोवाइड प्लेसमेंट बट आई एम स्टूडेंट सो आई नो वट इज़ हैपनिंग इन बी एच यू. देर हैव नो एनी क्राइटेरिया फॉर प्लेसमेंट फॉर बी एच यू स्टूडेंट ऑफ एल एल बी. देर हैव अदर इन प्लेसमेंट के मामले में बी एच यू में अदर सब है मतलब अदर सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि सोशल साइंस हो गया आई आई टी हो गया यहाँ प्लेसमेंट होते हैं. इवन तो इन दिस 2023 आई हैव सीन इन आई आई टी एंड ऑल्सो सोशल साइंस डिपार्टमेंट दे गेट प्लेसमेंट बट एल एल बी वालों में प्लेसमेंट नहीं होता. पता नहीं सर एक दो हुआ था होगा कुछ सालों पहले पर अभी तो नहीं होता. हमारे जो अभी जो पास आउट हुए भैया लोग उनको भी प्लेसमेंट नहीं मिला तो एल एल बी वालों को प्लेसमेंट नहीं मिलता है. इफ़ यू आर थिंकिंग दैट आई विल गो बी एच यू एंड आई विल टेक एडमिशन एंड आई विल एक्वायर एनी प्लेसमेंट इन बी एच यू बाई डूइंग एल एल बी तो मत आओ. पर डी यू में होता है प्लेसमेंट क्योंकि डी यू में क्या है ना बिकॉज डी यू में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट फिर सोसाइटीज़ है वहाँ पे एसएससी एंड सो मेनी सोसाइटीज़ आर देयर. तो वहाँ बच्चे लोग कॉरपोरेट लॉयर या फिर मीडिएशन बहुत सारी चीज़ें लोग करते रहते हैं जिससे उनको ना मतलब क्या होता है ना वहीं से लोगों को प्लेसमेंट का बहुत जरिया हो जाता है. ये जो मैंने बी एच यू में मतलब डी यू में देखा है. तो अगर प्लेसमेंट की बात हो तो बी एच यू में नहीं होता है डी यू में होता है. एंड थर्ड थिंग एंट्रेंस की बात करें तो पहले बी एच यू सेपरेट लेता था जो ब्लेट का रहता था डी यू अपने खुद का लेता था जो डी यू का अपना एंट्रेंस एग्जाम होता था. पर आफ्टर दिस 2023 दे हैव ए सिमिलर दैट सी यू टी इज़ टेकिंग एंट्रेंस फॉर बोथ फॉर गेटिंग एडमिशन. एंड लैंग्वेज की बात करें सबसे बड़ी बात है लैंग्वेज. जिनको इंग्लिश सही से नहीं आता
नोट अवेल से ही सही से नहीं आता, मतलब जिन जिनको हिंदी में अच्छा कमांड है और इंग्लिश में, चलो इंग्लिश वो बचपन से नहीं पढ़े, इंग्लिश हिंदी पढ़ते आ रहे हैं, तो उनके लिए दे प्रेफर फॉर BHU। ज़्यादातर यूपी बिहार के बच्चे लोग मतलब आते हैं BHU में, और मतलब आई कैन से दैट जिनको इंग्लिश नहीं आता अगर क्लियरली बोलूँ तो वो लोग भी LLB कर सकते हैं इन BHU। देयर हैव अ सेपरेट सेक्शन लाइक इन BHU देयर हैव अ 4 सेक्शन इन लॉ फैकल्टी, 3 सेक्शन फॉर इंग्लिश एंड 1 सेक्शन फॉर हिंदी, तो वो बच्चे लोग भी आके LLB कर सकते हैं। पर DU में क्या होता है, देयर हैव ओनली 1 लैंग्वेज दैट इज़ इंग्लिश। सारी क्लासेस, नोट्स, ये सारी चीज़ें, बुक्स, ये सारी इंग्लिश में होती है, इवन द मोड कोड ऑल्सो। पर BHU में तुमको हिंदी और इंग्लिश दोनों का सेम प्रेफरेंस मिलेगा, यू कैन रीड एंड टीचर्स आर टीचिंग इन हिंदी, तो ये एक अच्छी बात है। एंड अदर थिंग इज दैट BHU और DU में एक जो इन्वायरमेंट है, देखो BHU में स्ट्रक्चर तुमको मिलेंगे, बहुत अच्छे स्ट्रक्चर मिलेंगे, लाइक यू फील लाइक अ टेम्पल। पर जो डाइवर्सिटी बाय द सेंस ऑफ गेटिंग अ पीपल विद डिफरेंट स्टेट, देयर कैन बी पॉसिबिलिटी दैट यू कैन मीटिंग विद डिफरेंट पीपल विद डिफरेंट स्टेट। बट एक होता है ना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, यू आर डेवलपिंग बाई इंसाइड वॉट टू से एक्सप्लोरिंग योर सेल्फ, डेवलपिंग योर थाट। आई थिंक दिस ये थोड़ी कमी होती है BHU में। BHU में क्या होता है, फैकल्टी जाओ, हॉस्टल आओ, खाओ पियो सो जाओ, लंका जाओ, गंगा घाट घूमो, ये सारी चीज़ें होती हैं बाई कल्चरल वे यू गेट डेवलप्ड। पर जो शायद लॉ फैकल्टी में, जो DU में जो लोग एक्सप्लोर करते हैं खुद को, क्योंकि क्या होता है ना कि DU में बहुत सारे सोसाइटीज़ हैं एंड ऑल्सो देयर हैव अ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड कंज्यूमर फोरम हो जाता है, ट्रायल ट्रिब्यूनल सब हैं। ये सारी चीज़ें ना लोगों को एक मतलब क्या होता है, अंदर से एक डेवलपमेंट देता है जो BHU में हमें नहीं मिलता। हमें BHU में बस डेवलपमेंट के नाम पे मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन रख दिए थे, देर जो हमने पार्टिसिपेट भी करा था, इट हैपेंड्स। एंड हाँ, सीट की बात करें DU और BHU में, अब BHU में सीट बहुत लिमिटेड है, मतलब तीन दो अभी वेबसाइट में 284 करके सीट दिए हैं बच्चों के लिए, जो कि एक्सटेंड हो कई बार बढ़ जाती है और 300 तक आ जाता है। पर DU में सीट बहुत ज़्यादा है, मतलब 2900 आई थिंक सीट मिलते हैं बच्चों को LLB के लिए, क्योंकि DU में CLC है, LC1 LC2 है एंड लॉ फैकल्टी में बस एक ही लॉ फैकल्टी है मेन कैंपस में जो होता है। तो ये एक डिफरेंट होता है कि DU में बहुत सारे सीट रहते हैं तो बच्चों को एडमिशन मिल जाता है, एंड BHU में सीट कम होता है, कंपटीशन ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पे सीट की थोड़ी मार है। बाकी एक बहुत बड़ी डिबेट, जो मतलब एक डिबेट नहीं बोलेंगे, एक बहुत बड़ी कल्चर है, कल्चरल ये बात है कि जिनको जुडिशरी करना हो BHU जाए और जिनको लिटिगेशन करना हो वो DU जाए। ये एक मतलब पर्सपेक्टिव है लोगों का, पता नहीं क्यों है, हो सकता है BHU का हिस्ट्री रहा हो कि यहाँ से बहुत सारे जज बने इसलिए दैट इज़ द जज फैक्ट्री। पर मुझे भी लगता है ये सही, क्योंकि मैंने देखा है हम लोग जो फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, अभी इवन दो राइट नाउ वी आर रीडिंग फोर्थ सेमेस्टर, हर सेमेस्टर में हमें सिखाया जाता है कि ये क्वेश्चन पढ़ के जाओ या फिर ये टॉपिक पढ़ो जो बिहार जुडिशरी में, यूपी जुडिशरी में, दिल्ली जुडिशरी में, हरियाणा हो, वेस्ट बंगाल हो, ये सारे जुडिशरी में क्वेश्चन आए थे, इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है जुडिशरी से, लाइक दे आर फोर्सिंग अस टू रीड थ्योरिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज में ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। तो इसीलिए BHU में ज़्यादा मतलब ये जो कल्चर है ना, इन्वायरमेंट है जुडिशरी के लिए, तो मुझे भी इसे लगता है कि जो बच्चे अगर जुडिशरी करना चाहता है दे आर वेलकम इन BHU। बट जिनको लगता है कि नहीं मुझे जुडिशरी नहीं करना है, मुझे कॉरपोरेट लॉयर बनना है या फिर मुझे मतलब प्रैक्टिस करना है, यू वॉन्ट टू बिकम अ लॉयर नॉट अ जज, तो DU जाओ, बिकॉज DU में जाएंगे तो आपको बहुत सारे अलग अलग चीज़ एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, इंटर्नशिप मिलेगा, BHU में इंटर्नशिप नहीं मिलता, तुम्हें खुद ढूंढना पड़ता है, दे डोंट प्रोवाइड, केस मेट पढ़ाया नहीं जाता BHU में, जो DU में तुमको इंटर्नशिप मिलेगा, केस मेट पढ़ाया जाएगा, यू कैन इंटरेक्ट विद सो मेनी अदर लॉयर्स, यहाँ तो फेच भी नहीं होते हैं BHU में,
बीएचयू में फेस्ट के नाम पे शायद सोशल साइंस डिपार्टमेंट में कुछ प्रोग्राम होते हैं, डीयू लो बीएचयू लो फैकल्टी में तो गाने भी बजाने नहीं देते हैं प्रोग्राम में, पर आईआईटी वालों में होता है। तो आईआईटी के नाम पे बस रथ क्या यात्रा था, काशी यात्रा नाम का प्रोग्राम था, जो वी हैव पार्टिसिपेटेड, तो ये नॉट पार्टिसिपेटेड, वी एंजॉयड देयर, ये सारे होता है। बीएचयू में इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे लाइब्रेरी बहुत अच्छी है, आई लव माई लाइब्रेरी। एंड ऑल्सो यू नो ना, बीएचयू इज़ द व्हाट्स ए बिगेस्ट रेसिडेंशियल इन एशिया, बिगेस्ट रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी, क्योंकि यहाँ इतने सारे हॉस्टल्स हैं। एंड बीएचयू की खूबसूरत बात है कि यहाँ पे बाउंड्रीज हैं, एक बाउंड्री के अंदर में मतलब सब कुछ मिलेगा आपको, एक मतलब लगेगा कि आप एक घर के अंदर हैं। पर डीयू ऐसा नहीं है, डीयू में कोई बाउंड्रीज नहीं है, तुमको साउथ कैंपस नॉर्थ कैंपस ऐसा करके बटा हुआ रहता है। पर वो कॉलेजेस की बात है, हम बात कर रहे हैं जो लॉ फैकल्टी की। फीस में थोड़ा अंतर हो सकता है, बीएचयू में बहुत कम फीस है, एडमिशन 2800 लिए थे, उसके बाद अब 1600 करके हर सेमेस्टर में यानी हर ईयर में लेते हैं, एंड एग्जामिनेशन फी 300 करके लेते हैं आई थिंक। पर डीयू में ज़्यादा है, 4800 ऐसा करके समथिंग लेते हैं। तो यही है अंतर। आई थिंक मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बोल दी बीएचयू और डीयू के बारे में, इतनी सारी चीज़ें बताने कहाँ से निकल के आ गई। सो मैंने बहुत सारी बातें आप लोगों को बता दी। दिस इज़ द डिफरेंट आस्पेक्ट, राइट, विच कॉलेज इज़ बेटर, विच कॉलेज इज़ नॉट, ये हम कैसे बोल सकते हैं। हर कॉलेज इसकी अपनी इंपॉर्टेंस होती है, बिकॉज बोथ कॉलेज आर बेस्ट, जस्ट यू हैव टू थिंक कि आपको कहाँ जाना है, विच इज़ बेस्ट फॉर यू। तो बिकॉज यू नो बोथ कॉलेज आर वेरी गुड, बिकॉज बोथ कॉलेजेस आर गिविंग इक्वल अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, जस्ट गो विथ योर इंटरेस्ट एंड व्हाट्स ए इन्हेंस योर कैपेबिलिटी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको कोई लाइन मतलब कुछ बातें अगर आपको इसमें से गलत लगी हो कि नहीं बीएचयू में ये होना चाहिए था, या फिर होता होगा, या फिर डीयू में ये है पर आपने नहीं बोला ये होता है, या फिर ये आपने इस बोला ही नहीं होता, अगर इस समथिंग ऐसा कॉन्ट्रेडिक्शन कुछ है चीज़, तो यू कैन प्लीज़ कमेंट, कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, एंड आई एम हियर, आई एम रीडिंग एवरीथिंग योर कमेंट्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो के लिए जरूर बोलूँगा लाइक, डजंट मैटर फॉर सब्सक्राइब एंड कमेंट। Bye-bye.